दोस्तों मशीन चलती है मगर कपड़ा सूखता नहीं है, उसकी प्रॉब्लम क्या होती है हम बताएंगे आपको काफ़ी सिंपल और आसान तरीका। चलिए वॉशिंग मशीन की ड्रायर के पास चलते हैं। ये देखिए इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम ये है कि इसकी मोटर घूमती है लेकिन कपड़े नहीं सूखती है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करनी है मैं बताऊँगा। स्पिन टब में ढक्कन को खोलते हैं, खोलने के बाद ये जो ड्रम दिख रहा है इसके नीचे देखेंगे कि कई बार क्या होती है, ये जो ड्रम है उसको थोड़ा सा साइड खिसकाएंगे तो वहाँ पर जो छेद बनी है उसमें कपड़े फंस जाते हैं जिसके कारण से पानी नहीं निकलती है। टब में भरी रहती है और मशीन चलती है तो पानी नहीं निकलने के कारण से कपड़े ठीक से नहीं सूखती है। तो इस कंडीशन में सिंपल छेद को चेक करनी है और कपड़ा फंसा हो उसे निकालनी है। जब टब में पानी नहीं रुकेगी और पानी बराबर निकलते रहेगी तो कपड़े भी अच्छे से सूखने लगेंगे। देख सकते हैं आप वो जो छेद दिख रहा है वहाँ पर कपड़ा फंस जाता है। तो उस कपड़े को सिंपल आसान तरीके से आप हाथ या डंडे से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आपकी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े नहीं सूख रही थी वो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल और आसान तरीके से खुद से सॉल्व कर पाएंगे। एक और प्रॉब्लम आती है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताते हैं। इस मशीन को देखिए, क्या आपकी वॉशिंग मशीन की ड्रायर टब में कपड़े डालने के बाद काफ़ी स्लो और धीरे धीरे घूमती है? हाथ से घुमाकर देखते हैं तो ड्रायर जो है यहाँ पर जाम भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जब हम इसमें कपड़े डालते हैं तो काफ़ी स्लो धीरे धीरे घूम रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस वॉशिंग मशीन में, चलिए हम इस वीडियो में गाइड करते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपल, हमें वॉशिंग मशीन की अगर पावर प्लग में हमने इसकी वायर लगा कर रखे हैं तो हमें वॉशिंग मशीन की वायर को निकालनी है और हम सीधा चेक करते हैं वॉशिंग मशीन की पीछे साइड। तो यहाँ पर पीछे देखते हैं कि इसकी कवर लगी है, कवर में कुछ स्क्रू लगी होती है जो कि सिंपल पेचकस की मदद से हम खोल सकते हैं। तो हमने इसकी स्क्रू पहले ही खोल रखा है। तो चलिए गाइड करते हैं कि आखिर वॉशिंग मशीन की ड्रायर वाली मोटर इतना स्लो क्यों घूमती है, स्पीड नहीं पकड़ रही है, उसका क्या कारण है, चलिए यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मोटर की आखिर स्लो और काफ़ी धीरे धीरे घूमने की क्या कारण है। तो यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन के अंदर चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि मोटर है उसमें इसकी ऊपर साइड से कई बार पानी इसी मोटर में गिर जाती है जिसके कारण इसकी वाइंडिंग्स में पानी चले जाने के कारण से इसकी जो घूमने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस कंडीशंस में हमें मोटर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों कई बार ये जो ब्रेक दिख रही है ब्रेक ही टूट जाती है तो हमें सिंपल यहाँ पर ब्रेक रस्सी को भी एक बार ध्यान देनी है। अगर रस्सी ब्रेक वाली टूट गई है तो इसे हमें फिर से बांधनी है और ठीक करना है। तो आशा करता हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हो। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ वॉशिंग मशीन से जुड़ी नई वीडियो लेकर नई जानकारी में। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत